हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसपी एकेडमी क्लासेस। तो हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमारे पास आते हैं डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें आपके माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज और ग्लाइकोजन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपके रिड्यूस सिलेबस में के अकॉर्डिंग हट चुके हैं टॉपिक। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली में प्रोटीन्स एंड एंजाइम करके होता था, बट प्रोटीन एंड एंजाइम्स में से एंजाइम वाला पोर्शन भी हट गया है। तो बेसिकली अब जो आपका बचा है फ्रक्टोज के बाद सीधा अब जो हम जंप मारेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कौन सा, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ना हमें डाइसेक्राइड्स पढ़ना है, ना हमें पॉलीसेक्राइड्स पढ़ना है, हमें सीधा क्या पढ़ना है, प्रोटीन्स। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है जिससे आप सभी फेमिलियर हैं और इसकी तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो आई थिंक यू नो इन एवरी पार्ट प्रोटीन इज प्रेजेंट। चाहे हम अपने नेल्स की बात करें, चाहे हम अपने बालों की बात करें, चाहे हम अपने मसल्स की बात करें, कुछ भी करें, हमारी बॉडी जो है, ठीक है, जो भी लिविंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉली मतलब क्या है, मैनी, मर्स मतलब क्या होता है, यूनिट। तो पॉलीमर का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे यूनिट से बना हो। जब भी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, इनफैक्ट आप बायोमोलिक्यूल्स का कोई भी टॉपिक उठा लो, चाहे विटामिन्स उठा लो, चाहे अमीनो एसिड्स उठा लो, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कोई छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इनका मास भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यानी कि रिपीटिंग सिंगल यूनिट जो है वो किसकी होती है, अल्फा अमीनो एसिड्स की, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि टॉपिक प्रोटीन का ही चल रहा है, पर प्रोटीन पे हम थोड़े टाइम बाद आएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन को समझने के लिए अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नाम लें प्रोटीन का, ठीक है, तो प्रोटीन, देखिए प्रोटीन इंटेक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बॉयज़ की। तो अगर मैं बात करूँ जो हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं, जिम विम जाते हैं, आपको पता है आप प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन पीपल जो हैं वो मीट वगैरह काफ़ी, एग्स वगैरह काफ़ी खाते हैं। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो दूध और दही हो गया, आपका पनीर हो गया, पल्सिस हो गई, इस पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो प्रोटीन तो एक तरीके का आप बहुत अच्छा, अगर आप इंटेक बात करें, इंटेक लेना चाहते हैं तो फूड तो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, अब भले ही वो वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है। तो अब देखिए ये जो प्रोटीन शब्द है ये कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियोस, ग्रीक वर्ड लिया गया है प्रोटियोस, जिसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस, यानी कि प्राइम इम्पॉर्टेंस वाली कोई चीज़। और हमें जिंदा रखने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्रोटीन को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड हम किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को समझने के लिए हमें अमीनो एसिड समझना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, अमीनो एसिड्स। अमीनो का मतलब क्या है, जिसमें अमीन ग्रुप हो, और अमीन ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 से। एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स हम किनको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, COOH। तो यानी कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन अमीनो यानी कि NH2 एंड कार्बोक्सिल यानी कि COOH फंक्शनल ग्रुप्स।
तो ऐसे हमारे कंपाउंड्स जिसके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स। दोनों के नाम से ये नाम जोड़कर बनाया गया है। फिर उसके बाद लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन का मतलब समझते हैं, रिलेटिव पोजिशन का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो उसे कहते हैं रिलेटिव पोजिशन, किसी के रिस्पेक्ट में पोजिशन को बताना। ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हम कैसे देख सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हमारी प्रायोरिटी, आपने नेमिंग भी जब ऑर्गेनिक की होगी क्लास 11th में, तो आपने देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं ना। तो प्रिंसिपल ग्रुप अगर माना जाता है नेमिंग करते वक्त भी, तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मानते हैं, तो इसको हमने प्रायोरिटी दी है। इसके रिस्पेक्ट में अब देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है, इससे पहले वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं अल्फा। अब उसी कार्बन पर अगर NH2 भी है, अमीनो ग्रुप भी है, तो इसे बोला जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, एक बार और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, मान लो ये वाली सिचुएशन है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका मेन ग्रुप हो गया, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। तो अब जो आपका अमीन ग्रुप है वो बीटा वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, आसान है ना। चलो अब हम देखते हैं गामा। गामा मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, उससे नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, डेल्टा। ठीक है, तो अब ये क्या, सॉरी, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, तो अब ये गामा पे है, तो ये क्या हो गया, गामा अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्या होगा, एक और नेक्स्ट वाला COOH है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, यहां पे NH2 को होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या था कि भाई अगर हम रिलेटिव पोजीशन देखें अमीनो ग्रुप की, अमीनो ग्रुप को देखना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो कौन से कार्बन पर अटैच है, NH2 ग्रुप, तो वहां से देख के हम अमीनो एसिड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा में। ठीक है, तो बस अगर आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं, अगर उस पे NH2 है तो अल्फा अमीनो एसिड, उससे भी नेक्स्ट वाले पे है तो बीटा, उससे भी नेक्स्ट वाले पे है तो गामा, उससे भी नेक्स्ट वाले पे है तो डेल्टा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही काम की चीज, मैं चाहती हूँ इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर आपको ये बात पता रहेगी। तो देखिए, अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये जब आपस में जुड़ते हैं ना, जैसे एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा, पांचवे से जुड़ा, ऐसे लगातार अगर ये जुड़ते जा रहे हैं तो ये आपस में जुड़ के बनाते हैं पेप्टाइड्स। ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कंबाइन होकर पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स आपस में जुड़कर बनाते हैं प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो यहां से ना एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्या अराइज हो सकता है 1 मार्क्स में, एक तो ये अराइज हो सकता है कि प्रोटीन किससे बने हैं। ठीक है, प्रोटीन तो खुद ही मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, पॉलीमर, और इनकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, इनकी सिंगुलर यूनिट क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, या ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ अगर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, प्रोटीन का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, हम प्रोटीन को चेंज करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा हमें, वो देगा हमें पेप्टाइड्स।
क्या देगा हमें? पेप्टाइड्स। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम पेप्टाइड्स का भी हाइड्रोलिसिस करते, हम उसको भी हाइड्रोलाइज्ड करना चाह रहे हैं, हम पेप्टाइड्स को भी तोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, जिससे बना है वापस टूटकर वही देगा। अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बना रहा है, पेप्टाइड जुड़ के प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो पेप्टाइड दे रहा है, पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो अल्फा अमीनो एसिड दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कॉम्प्लिकेशन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें हमारी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग सिस्टम की अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, उसको सस्टेन करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड में बहुत सारे हमारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, मिल्क है, चीज़ है, मीट है, पल्सेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग वगैरह हो गए। ठीक है, फिर हमने ये चीज़ पढ़ा कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं पॉलीमर, खुद किसके? अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो अब हम पढ़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। अब अमीन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो जुड़ के पेप्टाइड बना रहे हैं, पेप्टाइड जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पेप्टाइड मिल रहा है, पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अल्फा अमीनो एसिड हमें प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। ठीक है, तो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो हमारे पास तीन तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नाम से ही पता चल रहा है, एसिडिक अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप का कुछ ना कुछ रोल होगा, बेसिक अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप यानी कि NH2 का कुछ लेना देना होगा, और न्यूट्रल का मतलब क्या है? इक्वल, एसिडिक बेसिक इक्वल। ठीक है, तो देखिए एसिडिक अमीनो एसिड हम उन्हें कहते हैं जिन अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, किसकी तुलना में? अमीनो ग्रुप की तुलना में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक करेक्टर शो करता है, ठीक है, और अमीनो ग्रुप बेसिक करेक्टर शो करता है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप ज्यादा है जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, आप देख सकते हैं एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर दो हैं जबकि अमीनो ग्रुप जो है वो एक है। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड, दीज आर द अमीनो एसिड्स विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, यानी कि इसमें बेसिक नेचर वाले ग्रुप ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? एसिडिक ग्रुप के कंपैरिजन में, यानी कि NH2 जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल लाइसीन, NH2 आप देख सकते हैं दो हैं जबकि कार्बोक्सिलिक जो है वो एक ही है। फिर आते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हम किन्हें कहते हैं? दीज आर द अमीनो एसिड्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके अंदर इक्वल नंबर में क्या है? अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, आप देख सकते हैं एक ही बेसिक ग्रुप है और एक ही एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन की, तो अमीनो एसिड्स को हम दो और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्या है? असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी हमें नीड हो, जिसकी हमें जरूरत हो। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिसे हमें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमें उन्हें इनटेक करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और इसीलिए वो हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइट।
फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, लाइसिन की अगर हम बात करें तो वो एक असेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल का मतलब क्या है, जिनकी हमें नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि उसको हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर रही है, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि सिंथेसाइज हो सकते हैं बाय द बॉडी, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।